आज के जो राइस की रेसिपी है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कलरफुल दिख रहा है, उतना ही चटपटा टेस्टी बना भी है। ये मैक्सिकन फ्राइड राइस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये फ्राइड राइस देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है या सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। सारी चीज़ें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए इस फ्लेवरफुल राइस को बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट पल्लवीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और मजेदार रेसिपी। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, साथ ही साथ थोड़ा सा बटर इसमें डाल दूंगी, तो इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन बारीक काट कर ले लिया है, उसे डाल दिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरीके से चॉप कर लिया है, इसे डाल दूंगी। मीडियम आंच पर थोड़ा सा भून लूंगी जिससे कि प्याज थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास हरा प्याज भी था तो इसे भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, फिर सब्जियां डाल देनी है थोड़ी सी, जैसे बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, इनको थोड़ा सा भून लेना है। इसी के साथ इसमें डाल दूंगी स्वीट कॉर्न, यहाँ पर मैंने लिया है करीब 1/3 कप, और इसे भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी। तो अलग अलग तरह की सब्जियाँ इसमें पड़ती हैं, इसी से ये राइस बहुत ही कलरफुल और फ्लेवरफुल होता है। अब यहाँ पर ये देखिए 3 तरह की शिमला मिर्च मैंने ली हुई है, लाल, हरी और पीली। लाल और पीली अगर आपको ना मिले तो सिर्फ हरी वाली से भी आप यहाँ पर काम चला सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़े से मैंने फ्रोज़न हरी मटर डाल दी है, अगर आपको ताज़ी मिल जाए तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्जियों को भून लेने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए 2 कप के बराबर मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी है, और इसे भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करके भूनना है। तब तक भूनूंगी जब तक कि इसमें से फैट ना अलग होने लगे, तभी टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाएगा। थोड़े से यहाँ पर मेरे पास राजमा थे जिन्हें मैंने भिगो कर उबाल लिया है, उसे डाल दूंगी, और इसे भी साथ ही साथ सब्जियों के पका लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, तो नमक से सब्जियाँ जल्दी पक जाएंगी, साथ ही साथ टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पर अब मैं कुछ मसाले डाल दूंगी, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ मैं डाल रही हूँ, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। और सारे मसालों को डालकर मिक्स करते रहें सब्जियों के साथ। आंच को मैंने मीडियम से तेज़ फ्लेम पे रखा हुआ है जिससे कि मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाए और ये जो पूरा मिक्सचर है अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ ओरिगैनो। तो ओरिगैनो अगर आपके पास नहीं है तो जब भी आप पिज्ज़ा मंगाते हैं तो वो छोटे छोटे सैशेज हम रख लेते हैं, उसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो करीब 3 से 4 छोटे पैकेट यहाँ पर डाल दें। फिर यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, तो पिज़्ज़ा के साथ चिली फ्लेक्स भी आते हैं, इनको डाल सकते हैं, या कुटी हुई लाल मिर्च आप डाल दें। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, और इसे भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज की जो मैक्सिकन राइस है इसे मैं चावलों से बनाऊँगी, यानी कि चावल को सब्जियों में डालकर पकाना है। आप पके हुए चावल से भी ये मैक्सिकन फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो इस स्टेज पे पके हुए चावल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और ढककर करीब 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पर ये देखिए चावलों को मैं डाल दूँगी कढ़ाही में और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बासमती राइस लिया था जिसे मैंने धोकर अच्छे से भिगो कर रखा था करीब 1/2 घंटे के लिए। तो इससे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे और ये काफ़ी लंबे बनते हैं। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी 4 कप के बराबर पानी। सब्जियों को मैंने अच्छे से भून लिया था, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो जितना चावल है उसका डबल पानी यहाँ डाल देना है, और अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर थोड़े से हैलेपिनियोज़ मेरे पास थे तो इनको मैं बारीक काट कर डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास हैलेपिनियोज़ नहीं है तो आप तड़के में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हमारी जो रेगुलर वाली होती है, उसे डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। पानी में उबाल आने तक थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद ढक कर धीमी आंच पर इसे पकाना है जब तक कि चावल एकदम अच्छे से पक न जाए। ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, बस थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है, तो इसे ढक कर करीब 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी। तो जब तक चावल पक रहे हैं तब तक मैं सालसा बना लेती हूँ जो कि मैक्सिकन फ्राइड राइस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को थोड़ा सा भून लिया है, भूनने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसकी जगह चाहें तो कच्चे टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, थोड़े से हैलेपिनियोज़ डाले हैं, और पल्स देते हुए इनको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। कच्चे टमाटर अगर आप डाल रहे हैं तो साथ ही साथ 2 से 3 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी डाल दें, तो इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस, नींबू का रस और धनिया पत्ता डाल दिया है, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें।
रंग को अब थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए डाल दे रही हूँ यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इससे कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर ले। ये हमारा सालसा बनके तैयार हो गया है और ये राइस के साथ बहुत ही चटपटे लगते हैं, आप इसे ऐसे भी बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए चावल पक के तैयार हो गए हैं, मॉइस्चर एकदम से ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरे प्याज की पत्तियाँ, इनको डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा मैक्सिकन फ्राइड राइस बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म आप नींबू के स्लाइस के साथ और थोड़े से सालसा के साथ सर्व करें। त्योहारों का समय है, इस तरीके की क्विक रेसिपीज़ पता होनी चाहिए, तो ऐसी रेसिपीज़ को अपने लिस्ट में ज़रूर रखें। इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप साथ ही साथ नाचोस और टार्टार सॉस भी सर्व कर सकते हैं। नाचोस सालसा के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इस तरीके से एक पूरा मील बना सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। काफ़ी आसानी से बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आप इस मज़ेदार सी चटपटी सी मैक्सिकन फ्राइड राइस की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रक्षाबंधन के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है बच्चों के लिए, उन्हें इस तरह की डिशेस बहुत पसंद आती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।